और देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं, आज ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तीन विधायक के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ी देर में दिल्ली चंपाई सोरेन पहुंच सकते हैं। तो देखिए इस बात की चर्चा संभावनाएं लगातार नजर आ रही थी और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और अब खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं संभावनाएं लगातार ये नजर आ रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। क्या चंपाई सोरेन की रणनीति नजर आ रही है, दिल्ली के लिए रवानगी हुई है? देखिए जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि चंपाई सोरेन जो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो आज दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने के बाद जो दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो फिलहाल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर जिस तरह से कयासबाजी चल रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ में संपर्क में है और खास तौर पर झारखंड के कुछ नेता वो उनके संपर्क में है, झारखंड और कोलकाता के कुछ नेताओं के संपर्क में है। तो ऐसी जो अटकलें जो हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, तो इसी दौरान में जो जानकारी मिली है कि चंपाई सोरेन जो है वो कल कोलकाता गए थे और कोलकाता से वो अब दिल्ली आ रहे हैं और संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज हो सकता है कि आज 3 बजे के लगभग में कुछ बीजेपी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता से मुलाकात कर सकते हैं। शंकर आपके पास आएंगे, झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जिस बात को लेकर के चर्चा लगातार चल रही थी, अब उस चर्चा पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से इस सियासी उठापटक को आप देख रहे हैं? देखिए जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे और हेमंत सोरेन को दोबारा जो है मुख्यमंत्री पद पर काबिज होना था, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उस वक्त जो है थोड़ी सी नाराजगी सामने आई थी चंपाई सोरेन की। उन्होंने उस विधायक दल की बैठक में एक वाक्य में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि जब इस फैसले को लेके सब कुछ जो है सहमति बन गई थी तो मुझे जानकारी दे दी जानी चाहिए थी और अगर मुझे जानकारी हेमंत बाबू देते तो मैं पहले ही इस पद से त्यागपत्र दे देता। तो एक नाराजगी थी और उस बैठक से सीधे जो है चंपाई सोरेन अपने आवास निकल गए थे और उस वक्त ये बताया जा रहा था कि उनके जो राजनीतिक सहयोगी हैं वो दिल्ली में एक दो दिनों में उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी और उस वक्त उन्होंने एक कवायद शुरू की थी कि बीजेपी नेताओं से चंपाई सोरेन के सूत्र जोड़े जाए। अभी एक दो दिनों में जो लास्ट 2-3 दिन गुजरे हैं उसमें चंपाई सोरेन की बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है, टॉप लीडरशिप के साथ जो है बातचीत हुई है और उस वक्त उनके राजनीतिक सहयोगी जो गोस्वामी हैं वो दिल्ली में मौजूद थे। कल जब वो रांची पहुंचे तो रांची में उन्होंने चंपाई सोरेन की लोबिन हेम्ब्रम से मुलाकात कराई और इस मुलाकात के बाद सीधे जो है चंपाई सोरेन बाई रोड कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में उनकी बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई। अब ये खबर आ रही है कि कोलकाता से उन्होंने सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरी है जी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ विधायकों से जो चंपाई सोरेन की बातचीत चल रही थी, बीजेपी कोशिश कर रही है कि जब चंपाई सोरेन पार्टी ज्वाइन करे तो विधायकों की एक बड़ी तादाद हो, करीब आधा दर्जन जो है विधायक बीजेपी का दामन थामे, तो उस कवायद में जो है लगातार बीजेपी लगी हुई है और बातचीत जैसे मुकम्मल होगी वैसे ही एक तारीख मुकर्रर की जाएगी और सभी विधायकों को बीजेपी का दामन थमाया जाएगा। दिवाकर, विधायक कौन होंगे, कुछ नामों की चर्चा भी है? देखिये जो नाम है उसमें लोबिन हेम्ब्रम का प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है और लोबिन हेम्ब्रम ने खुले तौर पे ये कह दिया है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी जो है सीटें खत्म हो रही है तो ऐसे में वो भी जो है बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है। कहा जा रहा था समीर मोहंती का जिक्र किया जा रहा था कि समीर मोहंती ने सीधे इनकार कर दिया है। समीर मोहंती का जिक्र इसलिए किया जा रहा था कि कुणाल सारंगी जो बीजेपी में शामिल थे उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सीधे अब उनकी खबर आ रही है कि वो जेएमएम में शामिल होंगे तो उनका जिक्र हो रहा था लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे खारिज कर दिया जी। ऐसे जो है कुछ और नाम है, बादल पत्रलेख का जिक्र हो रहा है, दशरथ गागराई का जिक्र हो रहा है, राजेश कच्छप का जिक्र हो रहा है, कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन चंपाई सोरेन जब बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस और जेएमएम के कितने विधायक हैं या नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
जी दिवाकर आपके पास आएंगे और हमारे साथ शंकर भी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, ये इंट्री अलायंस और जेएमएम के लिए कितना बड़ा झटका होगा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिवाकर बता रहे थे, एकदम सटीक जानकारी जो जिस तरह से दिवाकर बता रहे थे, उस चीज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये संख्या 3 से 5 के बीच में अगर जाता है तो निश्चित तौर पे ये एक जेएमएम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद पहले ही जिस तरह से ये कवायद चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी एक राजनीतिक कदम जो है बीजेपी के लिए होगा। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार ये गतिरोध चल रहा था झारखंड के अंदर में, तो अब वो मामला खुलकर सामने आ चुका है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले ही जिस तरह से चंपई सोरेन साफ तौर पे मना भी कर रहे थे, झारखंड में ही एक कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा भी गया था, तो उस वक्त में वो मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। लेकिन जो तमाम जो बातचीत हुई है, कवायद जो हुई है, चंपई सोरेन के जो खास जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके द्वारा वो आगे बढ़े हैं और वो बीजेपी के नेताओं के साथ में संपर्क साधे और उसके बाद ये बातचीत का जो दौर है वो आगे बढ़ा। लेकिन आज जिस तरह से एक संभावना जताया जा रहा है कि 11:38 पर कोलकाता से आने वाली जो एयर इंडिया की जो विशेष विमान है, उस विमान से चंपई सोरेन यहाँ पे आ रहे हैं और जब तकरीबन 12:15 के लगभग में जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पे लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह देखना लाजमी होगा कि क्या चंपई सोरेन एयरपोर्ट पे पत्रकारों का सवालों का जवाब देंगे या सीधे वो निकलने के बाद जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के बीच में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, तो वो बीजेपी मुख्यालय में कौन कौन से नेता उनके संपर्क में है ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि झारखंड का पारा फिलहाल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक अच्छा खासा असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड के अभी जो जानकारी मिल रही है कि चंपई सोरेन के साथ में 3 अन्य विधायक हैं, हालांकि उनके नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि कुल्हान क्षेत्र जो जमशेदपुर वाला जो इलाका है उस क्षेत्र से जुड़े हुए 3 जो विधायक उनके साथ में हैं। और जिस तरह से दिवाकर भी बता रहे थे, उनके नामों के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो वो जो 3 नेता तो स्पष्ट तौर पर उनके नाम की जानकारी मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी नेताओं का नाम सामने आ सकता है। लेकिन इस मामले में किस तरह से अब आगे वो सारी चीजें तय होंगी, किस तरह से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद क्या बातचीत होती है, क्या आज ही चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो अगर गतिरोध होता है तो झारखंड के लिए और राजधानी दिल्ली के लिए और खासतौर पर दिल्ली का जो राजनीतिक गलियारा है, अब यहाँ पे इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में बीजेपी के द्वारा औपचारिक तौर पर कितने देर में इस मामले की कोई जानकारी साझा की जाएगी, फिलहाल हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, दिवाकर आपके पास आते हैं। दिवाकर, अगर बीजेपी के साथ चंपाई सोरेन आते हैं तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा, क्योंकि एक आदिवासी चेहरे के तौर पर और खासकर के कुल्हान की अगर बात करें तो वहां पर जो भाजपा का जरूर गढ़, लेकिन इन सबके बीच चंपाई कीचागढ़ में जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है, तो किस तरीके का फायदा बीजेपी के लिए? देखिए, चंपाई सोरेन सरायकेला से लगातार विधायक है और सरायकेला विधानसभा जो लोकेशन है वो कुल्हान का एक क्षेत्र माना जाता है। तो झारखंड जो है 5 डिवीजन में बटा हुआ है, उसमें एक जो कुल्हान डिवीजन है, हालांकि चंपई सोरेन संथाल आदिवासी हैं, लेकिन वो जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं यानी सरायकेला, वो कुल्हान का एक हिस्सा है। और ये माना जाता है कि चंपई सोरेन ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुल्हान की सीटें रही हैं उसमें उन्होंने पूरी ताकत झोंकी और उसका नतीजा ये हुआ कि कुल्हान की सीटों पर वो काबिज हुए। तो अब जो है ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं, कुल्हान का एक बड़ा नेता मिल जाएगा, बड़ा फेस मिल जाएगा। और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 महीने जो कामकाज किए हैं वो विवादों से परे रहे हैं, उनका कामकाज बेहतर रहा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि 5 सालों का जो विपक्ष का कार्यकाल रहा उसमें 5 महीने का जो चंपई सोरेन का कार्यकाल रहा वो सबसे बेहतर रहा। और अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया योजना की शुरुआत करने वाले हैं आज पाकुड़ से, अति महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक है। तो अब इस योजना के लिए भी जो है बीजेपी क्रेडिट दे रही है चंपई सोरेन को। तो जाहिर सी बात है, चंपई सोरेन जब आएंगे तो बीजेपी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी।
एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो आंदोलनकारी रहे चंपई सोरेन वो कुछ ही महीनों का उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने बेहतर काम किया लेकिन उन्हें हटा दिया गया। यानी परिवारवाद को लेकर जो है बीजेपी पे हमले, बीजेपी जो है जेएमएम पे हमले करेगी और ये कहा जाएगा कि एक ही परिवार के जो है। बिल्कुल दिवाकर जी, तो एक बड़ा झटका जेएमएम के लिए, एक बड़ा झटका एंटी अलायंस के लिए। आपके पास आएंगे और दोनों से फिर बातचीत इस खबर पर करेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल होंगे जो खबर सामने आ रही है, साथ ही साथ कई विधायकों का भी जिक्र है जिनके साथ बीजेपी का दामन चंपाई सोरेन थाम सकते हैं।